मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद और ख्वाबों से तबीयत तक के इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 163 एपिसोड होने जा रही है, और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ इंडस्ट्री के वो एक ऐसे यानी पर्सनैलिटी मौजूद है, और हमारी कोशिश भी होती है कि हम ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए बल्कि अपनी इंडस्ट्री में रह के बहुत नाम और मुकाम पैदा किए होते हैं, और यही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है जो हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, एशियन ट्रेड टीवी के प्लेटफॉर्म से आज मेरे साथ मौजूद है साकिब चौधरी साहब। साकिब चौधरी साहब का अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ और तारुफ कराऊँ तो वैसे उनका पोर्टफोलियो में से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बढ़ के जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, दोस्तों के दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे मोहसिन हैं, भाइयों की तरह है। अगर मैं साकिब साहब के पोर्टफोलियो के ऊपर बात करूं तो जनाब ये ITAPA के एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, इसके अलावा फॉर्मर सेक्रेटरी एंड कोआर्डिनेटर रहे हैं फॉर कॉस्वो कॉन्सलेट जनरल, और इसके अलावा फॉर्मर नेशनल पीस जस्टिस जो कौंसल है उसके भी ये किसी ना किसी तरीके से पार्ट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, बल्कि UNO में ह्यूमन राइट्स ऑफिसर रहे हैं फॉर साउथ अफ्रीका। ये एक बहुत बड़ी एजाज की बात है उनके लिए, और बहुत मैं समझता हूँ कि ये यही वो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है जिसके ऊपर हम आगे जाके चोई साहब से बात करेंगे। और आज का जनाब वो मैनेजिंग डायरेक्टर है फर्म ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ये एक लॉ फर्म है, पाकिस्तान की वेल नोन फर्म है, वेल रिप्यूटेड फर्म है, और ये इमिग्रेशन को भी डील करती है और टैक्स के जितने मामलात हैं उसको भी देखती हैं, और भी चौधरी साहब बहुत कुछ कर रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए भी। वो जानेंगे आज ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में। मेरी कोशिश होगी कि पहले हम चौधरी साहब की ज़िंदगी के वो पहलुओं को सामने लेकर आएँ जिससे चौधरी साहब भी वाकिफ हैं, शायद हम सब नहीं हैं। तो मैं वेलकम करूंगा चौधरी साकिब साहब को अपने इस प्रोग्राम में, ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम टू माय शो चौधरी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच। जी साहब, आपने जितना मेरा तारुफ कराया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन बात यही है कि हम इस सिलसिले की एक कड़ी जरूर है, लेकिन अगर आप ये कहें कि जिस तरह आपने तारुफ कराया हम उसके भी स्टूडेंट ही हैं और अभी तक सीख रहे हैं। नहीं जैसे आप ना इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट नहीं है। चौधरी साहब, जैसा कि प्रोग्राम है ख्वाबों से तबीयत तक और माशाल्लाह 163 एपिसोड होने जा रही है, मुबारक हो सर आपको। थैंक यू वेरी मच। प्लेटफॉर्म है और हमारी कोशिश होती है चौधरी साहब आप जैसे लोगों को हम दुनिया को दिखाएं, ये पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में, चूंकि आप एक खुद बहुत बड़ा अपने आप में इंस्टीट्यूट है, आप ब्यूरोक्रेट भी है, बहुत कम लोग जानते हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं आप, टेक्नोक्रेट भी रहे हैं आपने, मुख्तलिफ अदवार में पॉलिटिशियंस को, पंजाब की पॉलिटिक्स को भी देखा है करीबी। अच्छा, असल में मैं देखूँ या लोगों को मेरे व्यूज को पता चले कि असल में साकिब चौधरी है क्या, ठीक है, साकिब चौधरी के पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल में साकिब चौधरी की अगर वन वर्ड तारीफ करें हम यानी डिफाइन करें तो प्लीज वो बताइए साकिब चौधरी साहब। ठीक हो गया मियां साहब, थैंक यू वेरी मच, और आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो, आपने 163 एपिसोड आपका जा रहा है, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियां दे। आप माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहे हैं और मैं जो देखता हूँ आपकी एक्टिविटी, पहले तो ये किसी ने इस तरफ सोचा ही नहीं था कि इमेज बिल्डिंग कैसे करनी है अपनी कंट्री की, ये एक बहुत बड़ी काम विषय है, और मैं कहता हूँ
कि मेरी खुश नसीबी है कि मैं किसी न किसी सूरत इसका हिस्सा काज बन रहा हूँ और अल्लाह आपको अच्छी तरह कामयाबियत है। रह गई बात सर, असल में साकिब तो एक बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट है, आज तक सीख रहा है, एक नॉर्मल सा इंसान है। सर मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी कराची से, कराची गुलशन डिग्री कॉलेज मेरा पहला कॉलेज था। तब वहाँ के हालात ख़राब हुए तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आप मेरे ब्राइट स्टूडेंट हैं। मैं उस टाइम आईकॉम का स्टूडेंट था। ई सेड आई रिक्वेस्ट, रोते हुए उन्होंने मुझे कहा कि तुम पाकिस्तान लाहौर जाओ और एफ सी कॉलेज में एडमिशन लेना, लेकिन वहाँ पर तुम आईकॉम या बी कॉम नहीं मिलेगा। अब एक्चुअली सही है, केम लाहौर यहाँ आके फिर एफ सी कॉलेज में मुझे एडमिशन मेरिट पर मिल गया था, स्टूडेंट अच्छा था मैं। यहाँ से फिर मैंने सर कम्प्लीट की पॉलिटिकल साइंस पर, और उसके बाद सर एफ सी से पढ़ने के बाद वही जिंदगी सर, लिबर्टी में बर्गर खाना और जो लोरी मुंडे करते हैं। तो उसके बाद सर मैं साल सर फोर्टिस स्टेडियम के चक्कर राउंड लगाना है, चक्कर सर 1-5 होता था, 1-5 के ऊपर सर, उस पे सर हमें सर 100 रुपीस पॉकेट में नहीं मिलता था, बहुत ज्यादा होता था। तो उसके अंदर सर हमने बर्गर भी खाना, बोतल भी पीनी, 10 रुपए का पेट्रोल बहुत होता था, 7 रुपए लीटर एग्जैक्टली सर फीस था, तो 10 रुपए का पेट्रोल मान इनाफ होता था, तो 90 रुपीज वहाँ पे एक्स्ट्रा होते थे। तो सर बड़ी अच्छी लाइफ हमने इंजॉय की है। फारूक मेरे उस टाइम पॉलिटिशियन काफी दोस्त भी होते थे उस वक्त भी, ब्यूरोक्रेट्स भी उस टाइम कुछ दोस्त बन गए थे। तो इन्हीं के तवज्जो से फिर मैं इन इन फील्ड में, जैसे आपने जिक्र किया है कि मैं अभी अल्लाह तआला करामत करे खालिद शेरदिल साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी थे, मेरे बॉस भी थे, हमारे अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट करे, वो शहीद है पाकिस्तान का सासा था, पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट बनाने वाले हैं वो, उनको एविएशन का बहुत शौक था सर, हम एयरलाइन एक बनाने जा रहे थे पाकिस्तान के साथ खलीजी रियासतों के लिए एक नाम ओके, तो ताजिकिस्तान के लिए उनकी काफी उस पर काम भी उन्होंने किया था, इस रेल जेंटलमैन। तो इसी तरह कहने का मकसद है कि हमारी जिंदगी में सर आपकी तरह दोस्ती अच्छे अच्छे मिले, और बड़ा अच्छा वक्त मेरा जिंदगी गुजारा है। फारूक की मेरे दोस्त हैं मिनिस्टर में, इज नाइसेस्ट पर्सन। अच्छा लोगों में एक कॉन्सेप्ट है सर के मेरे, आप यकीन करें जितने मेरे जिनको मैं जानता हूँ, गुलजार शाह साहब हैं, खालिद शेरदिल साहब हैं, उनके भाई गाय साहब हैं, बेशुमार लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में मैंने देखे हैं और बेशुमार भी डीडीएम में किए हैं, वो सारे सर एक सॉफ्ट स्पोकन सारे लोग आप हैं माशाल्लाह। मैंने आज तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोगों का अपने दोस्त अलका बाब में देखे हैं, एक अच्छे इमेज के साथ उनको मैंने देखा पाकिस्तान के लिए काम करते हुए। अगर पॉलिटिशियन देखें वो भी अच्छे देखें, एक बैड कॉन्सेप्ट बैड उम्र मिलता है पता नहीं, वो हर जगह पर हर फील्ड में है, लेकिन ये है कि सर मेरे तो अपने दोस्तों साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा और मेरे पास तो बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं। अब आपने कौन कौन सी मेमोरी खरीदनी है मैं उसके लिए रेडी हूँ सर। अच्छा साकिब चौधरी साहब, एक लाहौरी मुंडा और आई फैमिली से जिसका तल्लुक हो, जो लाहौर को बहुत ही नज़दीक से जानता हो, ठीक है, वो लड़का उठ के कराची चला जाता है, वो कराची से भी पढ़ने यानी कि एफसी कॉलेज आता है, ये क्या केमिस्ट्री है थोड़ा सा बताएं। जी सर इसकी केमिस्ट्री कुछ यूं थी कि मेरे फादर जो थे उनकी वहाँ पे इंडस्ट्री थी जतारा इंडस्ट्रीज के नाम से। अच्छा वहाँ पे हमारी बैलिया माइन उस टाइम ईरान से सिर्फ आते थे शायद, बाहर हमारी इंडस्ट्री थी मेरे वालिद की वहाँ पे, तो हमारी वहाँ पे फैक्ट्रीज थी, ये मेले माइन के डिनर सेट्स वगैरह नहीं होते। हाँ हाँ। और मेरे वाल साहब जो सबसे बड़े इम्पोर्टर थे मेले माइन के, वो बड़ी इंडस्ट्री थी, वो भी स्ट्रीट जाओ मैं टॉकिंग अबाउट 80s की, तो वो उधर उस टाइम हालात बहुत अच्छे थे। तो मेरे फादर क्योंकि वहाँ पे थे, जब मैंने अपना 8th में था गालिबन, उसके बाद क्रिसेंट से मैं पढ़ा, स्कूलिंग मेरी क्रिसेंट की है लाहौर शालमा जी, आई नो, उसके बाद सर क्रिस्टियन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर फिर मैं कराची चला गया, वालिद वहाँ थे, फिर वहीं पे मैंने अपनी स्कूलिंग की और उसके बाद वहीं पे गुलशन डिग्री कॉलेज में था, फिर इवेंचुअली वहाँ के हालात खराब हो गए, बीइंग ए पंजाबी एडमिशन का इशू हो गया था, तो प्रिंसिपल ने फिर मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप क्या वापस मूव कर जी, फिर मैं माइग्रेट होकर वापस आया यहाँ पे और फिर एफसी कॉलेज में एडमिशन किया था। तो साहब अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, ठीक है, आपने नो डाउट आपकी बहुत सारी खिदमात हैं डिफरेंट शोबों में, तो सबसे ज़्यादा आपको मज़ा कहाँ पर आया, एज ए ब्यूरोक्रेट कहें या बात एज ए टेक्नोक्रेट कहें कि एज ए सर्विस मैनेजमेंट के कंपनी के तौर पर हम देखें आपको। जी सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन, जहाँ पे पाकिस्तान के लिए कुछ सर्व करने का मौका मिला आपको। सर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि लोग पता नहीं इसको कैसे, हमारे व्यूवर्स आपके लेते हैं
या जितने भी कोई इसमें है, मैं सर यहाँ से जब मैं किसी को भेजता हूँ ना पाकिस्तान से, तो मैं ये सोच के नहीं भेजता कि ये बंदा उसकी इमिग्रेशन होती है या वो होती है, सर वो एसेट बन के जाता है पाकिस्तान का, एम्बेसडर बन के, पाकिस्तान एम्बेसडर बन के बोला एसेट सर। एक तो फॉरेन रेमिटेंस जो हमारे मुल्क की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, एक तो वो जनरेट करता है और एक क्वालिटी लाइफ है कि एक पाकिस्तान का वहाँ पे अच्छा इमेज जो है वो बिल्ड करता है, चाहे वो बिजनेस क्लास से चाहे वो लेबर क्लास से। तो सर एक तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि जब मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूँ। दूसरा सर, जैसे मैंने अभी आपसे गुजारिश की है कि आपके माशाल्लाह अच्छे ताल्लुक आते हैं कॉन्स्टेंट्स में, ये वो, हम तो सर अब एज में आ गए हैं ना, आप तो अभी भी क्वालिटी आ गए, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कुछ जगह पे पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम है, तो मैं मुझे खुशी तब होती है अगर मैं किसी के काम आ सकूं, यानी कि अगर किसी मुल्क में पाकिस्तानी लेबर को प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी ना किसी तरह रابطہ करके गवर्नमेंट से कुछ कर सकूँ, तो एक तो मुझे ये काम करके खुशी होती है। दूसरा सर, जब मैं साउथ अफ्रीका में था तो बॉर्डर की कुछ वहाँ पे यूएनओ का ऑफिस था, तो बॉर्डर पे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो वहाँ पे लोग जो तंग आते थे, बुरे हाल आते थे, जब वो किसी कंट्री के भी होते, मैं ये नहीं कहता स्पेसिफिक पाकिस्तानी भी होते थे, उनको किसी ना किसी तरह रिलीफ दिलवा के उनके वहाँ पे असालम करवा के उनकी कुछ वो जॉब का करवा के, तो ये भी हेल्प होती नहीं किसी मॉरली हेल्प कह सकते हैं। जी सर, मैंने सर इसी में एंजॉय किया और आज तक मैं ऐसे ही काम पसंद करता हूँ कि अगर मैं किसी ना किसी सूरत में किसी बंदे के लिए कुछ जरिया बन जाऊँ, देखिए सर कमाना समथिंग एल्स है हर बंदे के प्रोफेशन में। मैं ऐसे भी केसेस करता हूँ कि जिसमें मुझे लोग कहते हैं कि सर अभी हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, तो मैं वो सेकंड एलिमेंट उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखा मैंने कभी, अगर मैं किसी काम आ सकता हूँ ये मेरे लिए सबसे ज्यादा, यानी कि सीएसआर को आप पहले रखते हैं जी सर, और सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर आपके अर्निंग आती है, ये बहुत बड़ी बात है। आई फील रियली हैप्पी एंड प्लेयर इफ के मैं किसी की हेल्प में पार्ट बन सकूं, तो उसके बाद तो सर सब कुछ ही चलता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये मैं कोई सिर्फ अपनी सक्सेस पे खुश होता हूँ तो शायद नहीं, अगर मुझे सक्सेस मिले सर, सक्सेस में तो लोगों से ही है ना, लेकिन अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं तो उसे सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके अल्लाह तआला देते हैं। मुझे खुशी तब होती है जब एक आदमी का मेरी वजह से इतना वसीला बनता और काम हो जाता है, और जब वो खुशी से मेरे पास आता है मिठाई लेके, इस पर बात होगी आगे चल के। अच्छा चोई साहब, ये मुझे बताइएगा कि आपने वाकई बहुत ज्यादा जिस तरह किया पाकिस्तान के लिए काम, तो क्या ये बचपन का कोई ख्वाब था ऐसा कि माइंड में कुछ ऐसा था कि ये बनना है कि ये भी पाकिस्तान की जिस तरह की इन्वायरमेंट है कि एक्सीडेंटली सब कुछ हो गया, कि ख्वाब कुछ था सोचते कुछ थे, क्योंकि एक लाहौरी जो मुंडा होता है उसकी सोच और अप्रोच कुछ और होती है, ठीक है, और जो वो भी एक ऐसी फैमिली से जिसका तल्लुक इंडस्ट्री से आपका तल्लुक, आपके फादर एक इंडस्ट्रीज थे, तो आपने इंडस्ट्री में आना क्यों पसंद किया, उसी इंडस्ट्री को लेकर आगे क्यों नहीं चले, आपकी जितनी लाइफ है उसमें सर्विसेज का ज्यादा रोल है, आप उस तरफ ही क्यों आए? जी सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये एंकर है ना खतरनाक क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आपका, थैंक यू जी। मियाँ साहब ऐसा है कि मेरा जो ख्वाब था ना, मेरे वालिद साहब बहुत ट्रैवलिंग करते थे अब्रॉड, बिजनेस था, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो पाकिस्तान लायंस क्लब के फाउंडर्स में से मेरे वालिद साहब, पाकिस्तान में वो आगा जमाल अंदर ये फाउंडर्स है जी, लायंस क्लब को भी लेकर गुलजार अहमद चौधरी नाम है सर, उन्होंने जदारा इंडस्ट्री फ्लोर मिल के ही बिजनेस थे अबू के, वो इंडस्ट्रीज थे, लेकिन सब वो जब जाते थे ना अपने टिकट्स वगैरह के लिए, उस टाइम ऑनलाइन ही होता था एयरलाइन की टिकट्स लेने, तो मेरा शौक ये होता था कि मैं एयरलाइन में जाऊँ। अच्छा, सच्ची बात है, मेरा वही था वाइट कॉलर रिवॉर्ड बोला सर, मैंने फिर आटा के कोर्सेज भी किए थे उस टाइम में, साथ साथ पढ़ाई किए थे। अच्छा सर, जब मैं एविएशन में आया ना, तो मैंने आपसे गुजारिश की है, एविएशन एक शौक किया तक था और ये इमिग्रेशन भी ये शौक है, लेकिन जो प्रोफेशन था ना सर, प्रोफेशन ऑटोमेटिकली बिल्ड होता गया, मेरी स्टडीज कुछ ऐसी हो गई, फिर मुझे ऑफर आ जाती थी तो मैं ऐसी कोशिश में नाम डाल देता था, वो हो जाता था, लेकिन मेरा एम्बिशियस या मेरा शौक नहीं था, ये शौक मेरा हमेशा ही रहा है कि मैं एविएशन में कुछ कर जाऊँ। मैंने आपसे गुजारी की, जो मेरे दोस्त थे बल्ब लिख रहे हैं, कई ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो एविएशन के बड़े शौकीन थे, एविएशन में कुछ करने के, यानी कि वह एयरलाइन लाना या ट्रैवलिंग करें या टूरिज्म करें, दैट्स व्हाट आवर बेसिकली ये शौक था हमारा। लेकिन जो ख्वाब कहते हैं जो, या और शौक में
और प्रोफेशन में फर्क रहा है. प्रोफेशन नॉट बाय चूजन सर, ये शौक मेरा चूजन है. क्योंकि सर चीज तो शौक होता है ना, शौक ही आगे जाए, वही शौक आपका प्रोफेशन बन जाए तो उसमें फिर सक्सेस का रेट ज्यादा हो जाता है. एग्जैक्टली सर, मतलब इंसान ज्यादा एंजॉय करता है. तो आपने भी एंजॉय किया अपनी लाइफ को अभी तक, आप सेटिस्फाई हैं जहां पर आज आप हैं? सर मुझे मेरे शौक के ऊपर रिकॉग्नाइज किया अमेरिकन डायरेक्टरी ऑफ प्रोफेशनल में. सर मैं अवार्डेड हूं, नॉमिनेटेड हूं. अच्छा जी, मुझे अमेरिका में अवार्ड दिया गया था. सर ये थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये अवार्ड का ये बड़ा. सर असल में एविएशन इंडस्ट्री में मैंने शौक की खातिर काम किए, कुछ काफी बड़ी बड़ी फैमिलीज मुझे बुलाती उस टाइम. सर ये सिस्टम नहीं होते थे तो हमें माइलेज के थ्रू फेयर कैलकुलेशन करवानी होती थी. तो स्टडी के साथ साथ मैं ये शौक पूरा कर रहा था अपना. बड़े बड़े नाम है इसमें उस टाइम, आई टी इसके जो टैब थी इनके प्रेजिडेंट भी थे, उन लोगों के साथ भी काम किया मैंने. लेकिन सर असल में इंडिविजुअली मुझे टैरिफ पे बहुत कमांड थी, एयरलाइंस वाले भी मुझसे इस मामले में हेल्प लेते थे. तो उसी तनाजुल में सर मैं रात को, मुझे पता लगा कि मेरे एक लेटर आया, उन्होंने कहा जी एक आपको एक सिलेक्शन है तो आप इंटरव्यू कंडक्ट करना ओवर द फोन. 98 की गलत बात. तो मैं आप रेडी रहे, सो मैं रेडी था. उन्होंने कहा जी हमारी मैनेजमेंट बैठी है, बोर्ड बैठा है, तो हम आपका इंटरव्यू जो है ना बोस्टन दे रहे हैं. तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर मुझे उन्होंने एक लेटर भेजा दोबारा कि आपको यू आर नॉमिनेटेड. उसके बाद एक लेटर आया यू आर अवॉर्डेड. और फिर उन्होंने एक रेडियो का, उस टाइम ये सिस्टम नहीं थे, रेडियो का इंटरव्यू मेरा था अमेरिकन रेडियो कोई वॉइस क्या था मुझे नहीं याद आया, उन्होंने उस पर एक इंटरव्यू लिया मेरा. तो सर मैं सिलेक्टेड उस टाइम मेरे का पॉलिटिशियन में पाकिस्तान से बेनजीर भुट्टो साहिबा, और फिल्म एक्ट्रेस में नदीम साहब थे, एविएशन इंडस्ट्री से मेरा नाम गया था. ओके उसमें मुझे अवार्ड मिला था. इसके अलावा इसी फील्ड में मुझे 2-3 गोल्ड मेडल भी शायद मिले हुए हैं. फिर इस तरह एजाजी फील्ड में बेशुमार हैं. लेकिन ये तो सर वही है ना कि शौक में कुछ मिल भी जाए तो कोई इतना इनकरेज नहीं होती ना, इतना खुशी होती है, क्योंकि मैं अभी भी शौक की खातिर ये काम करता हूँ. और इसी चक्कर में आप गए कि चले गए, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कभी ब्यूरोक्रेसी में चले गए, कभी कोई यूएनओ में अगर मिल जाए, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे चले जाएंगे. लेकिन वही मतलब शौक नहीं है, शौक मेरा यही है. सही है जी. जो सब अच्छा ये मुझे बताइए, ये देखा जाए तो ये काम बहुत यानी कि नोबल कॉज का है. अगर आप किसी की हेल्प करते हैं जाहिर तरीके से, यानी कि इत्तेफाक की बात है कि पाकिस्तान में जो जो इंसान सीधा काम ही कर होता है ना, उसका बाज वक्त तासुर गलत भी जाता है और गलत काम का तासुर भी सही आता है. ठीक है, लेकिन आप मुझे पता है एक वेल नोन फैमिली से, वेल रिप्यूटेड फैमिली से आपका तल्लक है. माशाल्लाह आप जितना भी काम कर रहे हैं मुझे इस चीज का अंदाज है, बहुत साफ सुथरा काम है. अच्छा लास्ट क्वेश्चन, आप दूसरों से क्यों डिफरेंट है? बस ये सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 मिलियन. बड़ी अच्छी बात की आपने सर. पहली बात तो ये है कि सर मैं क्यों डिफरेंट हूँ. सर पहली बात तो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने अपना घर बनवाना है उसके 3 स्टेजेस होते हैं. एक कि आप खुद खड़े होकर बनवा सकते हैं जी, ठीक है जी. एक आप खुद अपना घर खड़े होकर बनवा सकते हैं, दूसरा आप ठेकेदार आए करेंगे, तीसरा आप सिविल इंजीनियर आए. ठीक है ना, सिविल इंजीनियर ठेकेदार आपके घर में जो फर्क होगा ना सर, सर वही हम लोगों को इमारत को हो. ठीक है सर, मेरा कहने का मतलब मैं इसी फील्ड में मैंने 30 ईयर्स को गुजारा है, मैं इनकी चीजों को समझता हूँ. दूसरी बात कि जो यहाँ पे दूसरे लोग हैं सर, दे आर नॉट बेसिकली कंसल्टेंट्स, दे आर ट्रैवल एजेंट्स मोस्ट ऑफ टाइम, और दे आर जस्ट वो कहते हैं आदसाती तौर पर. जैसे आजकल तो यूट्यूबर भी बता रहे होते हैं ना, हमारे एंकर्स आज भी कह रहे हैं आज जी वहां पे मैं ये करवा दूंगा वो कर. हमारा काम सर प्रोवाइड करना उनको तमाम लीगल फैसिलिटीज, उनकी सारी प्रोसेस करके उनको देना. एम्बेसी
या उनकी वो उनका राइट है वो सर वो हम उनसे बात नहीं कर सकते वो ना आपका राइट है ना वो उनका और ये सर हम सच्चाई के साथ क्लाइंट के साथ बात करते हैं हम अपने महदूद जो सर्विस चार्जेस है वही चार्ज करते हैं हम कभी ये नहीं कहते कि हम ये करवा देंगे ये क्राइम है कहना ये तो क्राइम है तो ऐसा बातें बहुत सारी हैं ठीक है इसके ऊपर जितनी डिटेल डिस्कस की जाए कम है ठीक है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है तो ऐसा कोई ऐसा मैसेज आप जो एशियन ट्रेटिवी के हवाले से देना चाहे पाकिस्तानियों के लिए और क्योंकि ये हमारा यकीन है क्योंकि ये आपका जो मैसेज है तमाम इदारों तक जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी जाता है ठीक है क्योंकि ये जो चैनल है एशियन ट्रेड ये है ही यानी कि आप बिजनेस कम्युनिटी के लिए बिजनेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम सॉल्विंग चैनल है ये तो प्लीज सर आप बताइए सर मेरे एक नहीं दो मैसेज देना चाहिए प्लीज सर एक तो ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज हैं उनकी सर बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए ठीक है एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम अदारों से कि सर खुदारा ये ट्रैवल एजेंट्स को और जो नाम में हाथ उनसे बचे सर इनको जो है ना जरा साइड पे करें इनको ये राइट ही ना दें हमें रेगुलेट करें सर हमारे उसके प्रोफाइल के मुताबिक हमारी लॉ फर्म है सर ये एक रेगुलेट इदारा बनाए जिसके अंडर आप आए और उसके थ्रू ये काम हो एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है दूसरा सर ओवरसीज के मामला में बड़ी पेचीदगी है मैं दरख्वास्त करूंगा अपने फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे उनसे भी और मैं जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के अहलकार हैं या जो वहाँ के आपके तो माशाल्लाह कॉन्सुलेट्स में भी अच्छे ताल्लुक हैं आपके तवज्जो से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर सर किर्गिस्तान में सर पाकिस्तानी सर इस टाइम बेकार कर रहे हैं यहाँ से प्रोटेक्टर करवा के बेचारे वीजे जनरल लेके वहाँ गए हुए हैं और सर उन्हें बहुत बुरा हाल है सर स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा अब जो लोग वहाँ पे वर्क परमिट पे गए हुए हैं उनको तनख्वाही नहीं दे रहे वहाँ पे गवर्नमेंट ने वीजे बंद कर दिए सर वो हजारों की तादाद में स्टॉक है वहाँ पे मेरे आपके चैनल से तवज्जो सर कि सर मुझे अपने लिए कोई मैसेज नहीं देना लेकिन जो लोग वहाँ पे ख्वार हो रहे हैं सर उनके सर मेरे लिए बहुत मैसेज आते हैं मुझे वीडियो आती है तो सर मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि क्रिकेट एम्बेसडर से कुछ टाइम मिल जाए मैं खुद भी उन्हें लिख भी रहा हूँ गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि सर वहाँ पे पाकिस्तानी स्टाकअप है मजदूर लोग हैं लेबर है उनकी हेल्प लीजिए इंशाल्लाह सर इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक नोबल कॉज है इसमें हम भी आपके साथ हैं बल्कि जो पाकिस्तान में उनके कौंसल जनरल है तो मेरी कोशिश होगी कि हम उनके सामने ऑब्वियसली पहले भी उनके सामने मसला है अभी ठीक है तो इसको जल्द अज जल्द हल कराए क्योंकि ये CSR का मामला है बिल्कुल सर तो ये एक बसियत पाकिस्तानी हम सबका फर्ज है तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आप जैसी पर्सनैलिटी की वजह से ही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है और यही दिए और यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी जिसके मतलब प्रवीण शाकिर साहब ने कहा है इसके साथ नाज़रीन आप देख रहे थे साकिब चौधरी साहब आज ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में हमारे मेहमान हसूसी थे और ये उम्मीद है ये सफ़र जारी रहेगा हमेशा अगली दफ़ा हम एक नई पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे आपको तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो चलो अब्बा के पास इतने पैसे अब्बा आपने घर क्यों बेच दिए जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं वहाँ घर टूट जाते हैं ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे मॉडल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाते हैं